दोस्तों बिग बॉस ऑडिटी के लाइव फीड में आखिरकार फुकरा इंसान की मम्मी ने घर वालों को बता दिया है कि बाहर जो है जनता को एल्विश यादव और फुकरा इंसान की दोस्ती काफी पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, घर के सभी कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत कर रहे थे फुकरा इंसान की मम्मी से, और इस दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स चल रही थी। लेकिन इस दौरान जब घर के सभी कंटेस्टेंट को खाने की याद आई तो ज़्यादातर कंटेस्टेंट घर के अंदर चले गए, और इसके बाद में फुकरा इंसान, एल्विस और मनीष रानी आंटी के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और इस दौरान आंटी ने बताया कि तुम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तुम्हारे फैंस तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। मनीषा रानी ने पूछा कि आंटी बताइए ना, हमारे बारे में क्या हैशटैग चल रहा है, कुछ अच्छा सा चल रहा है क्या, हैशटैग छिछोरी तो नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर फुकरा इंसान की मम्मी ने बताया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तुम चिंता मत करो, बहुत बढ़िया खेल रही हो, तुम बहुत तारीफ़ हो रही है, तुम्हारे फैंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सब लोग तुम्हें अच्छा बताते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर एल्विश यादव और फुकरा इंसान ने अपने बारे में पूछा कि हमारा क्या चल रहा है आंटी, हमारा बताइए ना। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आंटी बताते हैं कि तुम्हारा तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बता दिया है कि तुम्हारा जो भाईचारा है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है, दोनों को एक साथ देखना फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये सुनकर यहाँ पर फुकरा इंसान, एल्विस दोनों काफ़ी खुश होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान को आंटी ने ये भी बता दिया कि तुम्हारे जो ग्रुप का नाम है वो पब्लिक ने यानी कि जनता ने फेम ग्रुप रखा है। तुम्हारा फेम बनता है ना, फुकरा से एफ, आशिका से ए लिया था, मनीषा से एम और एल्विस का ई, ऐसे करके फेम ग्रुप बन गया था तुम्हारा। लेकिन अब आशिका रही नहीं है, इस वजह से तुम्हारा ग्रुप टूट गया है। खैर दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी बातें चल रही है। फिलहाल आपको इनकी बातें कैसे लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप भी फुकरा इंसान, मनीषा रानी और एल्विस के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।